मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई गेस मैं जानता हूं आपको मुझसे क्या बात करनी है। अपनी दोस्त की वकालत करने आई हैं। चलिए बताइए क्या शिकायत लगाई उन्होंने? ऐसी कोई बात नहीं है, आयशा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मैंने खुद सब कुछ सुना और देखा। मुझे बहुत अफसोस हुआ जरबा भाई, आपका ऐसा रवैया आयशा के साथ। आप बात बात पर उसकी तजलील करते हैं। बच्चों की हुई गलतियों का इल्जाम भी आप आयशा को देते हैं। सर बाप भाई, आयशा को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, क्या आपने इस तरह से इल्जाम तराशी शुरू कर दी? देखिए उजाला, मैं अपनी निजी जिंदगी में किसी भी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई नो वो आपकी दोस्त हैं, और मेरी बीवी भी तो है ना? आपको कोई गलती करेंगी तो पूछ किस तो हो। पूछिए, जरूर पूछिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से उसको बेइज्जत करें। वो गरीब जरूर है लेकिन लावारिस नहीं। कि आप जो चाहें जिस तरह से चाहें उसके साथ सलूक करें। सर बाप भाई, जहां तक मुझे याद है आपने किरण से कभी ऊंची आवाज में बात तक इनफ बहुत हो गया। उस औरत का नाम इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा, समझिए आप। आप भी एक बात समझ लें, आयशा को मैं इस घर में लेकर आई। और अगर आयशा के साथ यहां इस घर में किसी भी किस्म की कोई ज्यादती होती है तो मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका रवैया आयशा के साथ बहुत नामुनासिब है। सर बाप भाई, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, वो ये सब डिजर्व नहीं करती है। आप प्लीज इस बारे में सोचिएगा।